हेलो एवरीवन वन माई सेब राहुल भाटी ठीक है अब तक हमने अकाउंट्स में क्या कंप्लीट किया है हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है सेकंड चैप्टर का थियोरी कंप्लीट हो चुका है दो इलस्ट्रेशन ऑलरेडी अपलोडेड है इसके अंदर आप थर्ड इलस्ट्रेशन यहाँ पे आप देखोगे एनपीओ पी ओ का अच्छे समझो पूरा का पूरा डिटेल में क्या है क्या नहीं करके मैं आपको अभी जस्ट पढ़ाऊँगा उसके आगे लेक्चर्स कैसे मिलेंगे आगे आपको लेक्चर्स मोबाइल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे लैपटॉप पर मिलेंगे या डेस्कटॉप पर उसकी फीस वगैरह क्या है उसकी स्लाइड्स आपको अवेलेबल हो जाएगी इसी वीडियो में तो अब देखो आपको कैसे आगे पढ़ाई करनी है हम अभी थर्ड चैप्टर का रिकॉर्डिंग चल रहा है अब देखो ये चैप्टर का पूरा का पूरा तो आ नहीं पाएगा अब इसके अंदर और तीन या चार ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेशन अपलोड होंगे उसके आगे लेक्चर्स अपलोड नहीं होंगे नाइनटीन इंडस्ट्रेशन पूरे के पूरे ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं हमारे द्वारा तो हमने लोगों को देना भी शुरू कर दिया है ठीक है बाकी चीज़ें आप प्लीज़ वीडियो शेयर करते रहो फ्रेंड्स के साथ और कुछ भी दिक्कत है तो नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए हम आपको आगे की डिटेल्स पूरी प्रोवाइड कर देंगे सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज़ अगर आपने आगे के लेक्चर्स नहीं देखे जैसे कि हमने और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स अपलोड किए बहुत सारे जिनको वो भी पता नहीं है मैथ्स अपलोडेड है एस अपलोडेड है फिर इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स अपलोडेड है तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर थ्री अब क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अब तक हमने स्टॉक का पढ़ा था ठीक है कि नहीं है उसके साथ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी फिर हमने पढ़ा सेकंड दैट इज़ सब्सक्रिप्शन के बारे में अब आप यहाँ पे सीखोगे डप्रीसीशन के बारे में ऐसा तो नहीं है कि ये आप पहली बार कर रहे हो करके पूरा फाइनल अकाउंट्स में डेप्रिशिएशन आपने किया हुआ है और इधर भी कुछ नया नहीं है जो आप करते आ रहे हो वही है डेप्रिसिएशन पूरा आपका चैप्टर था इलेवन स्टैंडर्ड में अगर आपको याद होगा तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन फर्स्ट अप्रैल 2018 फर्नीचर अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ रुपीजन लैख मतलब ये वन लैख जो है ये ओपनिंग बैलेंस है कि हमको एक चार दो हजार अठारह में तो इससे हमको क्या पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल कौन सा है यहां पे अठारह उन्नीस क्योंकि अठारह का ओपनिंग एक चार अठारह को हमको बैलेंस शीट के अंदर क्या दिया हुआ है कि फर्नीचर का अकाउंट का बैलेंस कितना है एक लाख रुपया ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन सॉरी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड एटीन एडिशनल फर्नीचर क्या बोला गया एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जुलाई एक चीज याद रखो आप डेप्रिशिएशन जब भी भी प्रोवाइड करते हो आप कैसे प्रोवाइड करते हो डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ दैट एसेट अब वो जो एक लाख का जो बैलेंस बचा हो आपने पूरा साल यूज किया है डेट इज कितना ट्वेल्व मंथ्स तो उस पर डेप्रीसिएशन कितना होगा ट्वेल्व मंथ्स का होगा फिर आपने जो एडिशनल परचेज किया है कितना थर्टी थाउजेंड का ये कब किया है जुलाई में तो जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च टोटल कितने हो गए नाइन मंथ्स हो गए तो इस पे डेप्रिशिएट कितना होगा नाइन मंथ्स का डेप्रीशिएशन होगा अब हमको क्या क्या बताने बोला है फर्नीचर इज टू भी डेप्रीशिएटेड ट्वेल्व परसेंट पर एन ठीक है ये रेट है शो द प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट्स में कैसे इसको प्रेजेंट करोगे ये हमको बताना है अब सबसे पहले फर्नीचर की वैल्यू कितनी है ठीक है ये आपके लिए आपको दो लेजर बनाने पड़ेंगे एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम फाइनल अकाउंट्स करते थे ना वहां पे पीएनएल अकाउंट बनता था अब आपको पता है यहाँ पे पीएनएल तो बनता नहीं क्या बनता है एक्सपेंडिचर एड इनकम अकाउंट तो ये है वही एक्जैक्टली exactly वही अकाउंट है कुछ उसके अंदर डिफरेंस नहीं जो पी बनाते थे वही है एक्जैक्टली exactly। सिर्फ नाम चेंज हो गया एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट और नीचे आपको बैलेंस शीट तो पता ही आप बना चुके हो वो चीज़ अब बैलेंस शीट में मैं जाके लिखता हूँ क्या लिखूंगा फर्नीचर ठीक है फर्नीचर की वैल्यू कितनी है वन लाख रुपी क्या है वैल्यू है किसकी फर्नीचर की अब एक मैं वर्किंग नोट करता हूं यहां पे वर्किंग नोट वन क्या लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर ठीक है क्या दिया हुआ है मेरे को यहां पे फर्नीचर तो हो गया अब उसका वैल्यू क्या है ओपनिंग लिखता हूं ओपनिंग वैल्यू इज इक्वल टू वन लाख ये तो हो गया अब बताओ मेरे को उसके बाद आप इसके ऊपर डेप्रीशियेशन लोगे कितना डप्रीशिएशन फॉर ट्वेल्व मंथ्स क्योंकि ये कब तक यूज किया आपने पूरा का पूरा बारह महीने तक ये चीजें क्या हुई है यूज हुई है तो डेप्रीशिएशन कैसे पता चलेगा आपको वन लाख मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व इन अपॉन हंड्रेड ये ट्वेल्व कौन सा है नंबर ऑफ मंथ्स है ठीक है पूरा बारह महीने यूज हुआ है तो बारह का बारह आएगा ऊपर नंबर ऑफ मंथ्स नीचे नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर ठीक है यूज ऊपर आ गया बारह महीने यूज हुआ है अगर वो नौ महीने यूज होता तो, तो आप ऊपर नाइन लिखते तो उसका आंसर आप यहां पर लिखोगे उसको आप क्या करोगे ये आपको एक पहला डेप्रीशिएशन मिलेगा उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन एक आपने एडिशनल मशीनरी परचेज की है सॉरी एडिशनल फर्नीचर परचेज ऑन फर्स्ट जुलाई 2018 कितने का है भाई 30,000 का अब इसके ऊपर आप क्या लोगे ड्रीसीशिएशन फॉर नाइन मंथ क्यों क्योंकि तीन महीना अप्रैल मई ठीक है अप्रैल मई जून आपने यूज़ ही नहीं किया है तो आपको उसका डप्रीसीशिएशन मिलेगा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो कैसे कैलकुलेशन होगा अमाउंट थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय नाइन अपॉन ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है तो यहां पे तो आपको कितना मिल जाएगा पूरा का पूरा ये बारह बारह तो वैसे ही कैंसिल बारह परसेंटेज निकालना है तो दो जीरो कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा टेन परसेंटेज ठीक है या तो आप कर दो दो सॉरी दो जीरो कम करोगे तो एक परसेंटेज हो गया तो दो जीरो कम कर दिया तो कितना बचा वन थाउजेंड वन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व तक जाना है तो ये कितना हो जाएगा आपका बारह हजार तो ये हो गया फर्स्ट डेप्रीशिएशन ठीक है अब डेप्रीशन फॉर नाइन मंथ्स कितना हो जाएगा थर्टी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व परसेंटेज उसको आप करना है मल्टीप्लाई बाय नाइन डिवाइड बाय ट करोगे आपको आंसर मिलेगा टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड आई होप कैलकुलेशन सबको आते हो अब आपको क्या मिल जाएगा टोटल डप्रीसीशन इज इक्वल टू ट्वेल्व थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो ये हो जाएगा फोटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ये तो आपका हो गया यहाँ पे कौन सा वाला काम डप्रीसीशिएशन का अमाउंट मिल गया अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी एक लाख थी अब आपने परचेज किया है तो ऐड परचेस डूरिंग दी ईयर कितना था भाई वन लैख थर्टी थाउजेंड था वन लैख कहाँ लिख रहा हूँ टोटल लिख रहा था मैं कितना है थर्टी थाउजेंड तो टोटल कितना हो गया वन लैख थर्टी अब इस वन लैख थर्टी में आपने देखा ना डप्रिशिएन अलग से कैलकुलेट किया एक लाख पे पूरा बारह महीने का और थर्टी थाउजेंड पर ओनली फॉर नाइन मंथ क्योंकि आपने उतना ही एसेड यूज़ किया है तो आपको डेप्रीशिएशन भी उतना ही मिलेगा अब आप पहुँचोगे वहाँ पर क्या लिखोगे स डप्रीसिएशन एट 12 परसेंट और यहां पे आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर वन की भाई जो भी पेपर चेक करेगा हमने पूरा सॉल्व किया है आप आके ये वाला वर्किंग नोट नंबर वन को जरा देखिए यहां पे मेहनत से आंसर निकाला गया है ऐसा नहीं कि ओरली सॉल्व करके आपको दे दिया गया है तो आप आंसर्स दोगे आपका पेपर ही रिप्रेजेंट करने वाला है आपको ठीक है जो आपका पेपर चेक करेगा फोर्टीन थाउजेंड इसको आप लेस कर दो तो देखो आंसर कितना मिलेगा वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ठीक है अब ये इसका सेकंड इफेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड इफेक्ट आप कहां पे जाओगे एक्सपेंडिचर में पहुंचोगे वहां पे आप जाके लिखोगे टू सेम पीएनएल वाले आप लिखते हैं ना वहां पर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है डायरेक्टली आउटर कॉलम फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ठीक है तो इस तरीके का आपको एडजस्टमेंट आ सकता है कौन सा डप्रिसिएशन का तो आप ये आराम से लिख लीजिए मैं आपके लिए वर्किंग भी रखता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अब एसेट होता कहाँ पे मतलब फर्नीचर एसेट है ना तो है, वो फर्नीचर एसेट की जगह पे लाके लिखोगे उधर से आपने चालू किया और सेकंड इफेक्ट आपने पी में दे दिया तो सेम फाइनल अकाउंट्स वाले बहुत सारे एडजस्टमेंट पूरे के पूरे रिपीट होने वाले आउटस्टैंडिंग वाले पर इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है डेट्स ठीक है डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब्सक्रिप्शन में आपने देखा वहां पर ठीक है इधर आप वर्किंग नोट भी लिख लो एसेट का ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट और ये सेकंड इफेक्ट आपने डिप्रेशियन में आपको ऐसे भी नहीं बता रहा हूँ पहला नंबर दूसरा लॉजिक भाई एसेट फर्नीचर एसेट है एसेट सड़ गए कुछ एडिशन हुआ ये वैल्यू बढ़ी फिर क्या हुआ डिप्रिसिएशन उसका आपने अलग से किया क्योंकि डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूज ठीक है कि नहीं तो यहां है तो यहाँ पे मंथ्स में यूज है तो मंथ्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर ही कर रहे हो तो मंथ के हिसाब से होने वाला है और उसके बाद उसकी वैल्यू जो बची एसेट में उसको डाल दो साइड में आउटर कॉलम फिर उसका डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है सेकंड वो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे दिया डेबिट साइड क्योंकि वो क्या है खर्चा है ठीक है नॉन कैश एक्सपेंस उसको क्या बोलते हैं डिप्रिशिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस